नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 128 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.67% का अप मूव दिया है। इसकी मार्केट कैप हो गई 52,995 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग है 65%, डिविडेंड ये अच्छा खासा देता है, फेस वैल्यू है 10 एंड बुक वैल्यू है 136। ये अभी बुक वैल्यू के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, सो बेसिकली इसके सेक्टर की बात करें तो इसका सेक्टर है स्टील का, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एंड ये गवर्नमेंट का स्टॉक है। सेकंड थिंग इज कि इसके ऊपर मैं वीडियो फंडामेंटल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। एंड जो वेरी फर्स्ट वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, उसमें फंडामेंटल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक बार फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो स्टॉक जो है 50 एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पीई की बात करें तो मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है एंड सेल्स भी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है इस क्वार्टर में, बट जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट का स्टॉक है एंड सेक्टर बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है कि ये काफी अच्छा करेगा। तो क्वार्टर रिजल्ट एक बार देख लें तो क्वार्टर रिजल्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, सेल्स इसकी डिक्रीज हुई है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसके कंपैरेटिवली कम ही हुए हैं, एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफी ज्यादा नीचे गया है नेट प्रॉफिट। बट मुझे लगता है सेक्टर अच्छा है तो ये अच्छा करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे इसकी काफी भारी भरकम रेजिस्टेंस है एंड शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से तोड़ देता है उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं बना सकते। सो फिलहाल हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है, यहाँ सेलर्स काफी हावी होते हुए दिखाई दिए। फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 52 मिलियन के आसपास एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 29 मिलियन के आसपास है, तो वॉल्यूम में भी काफी डाउन जंप देखा गया है एंड मुझे लगता है कि अभी स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। एक बार एंट्री की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कोई न्यूज तो नहीं आई है। तो प्राइस बैंड है इसका 10% का एंड अभी के लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है, ये अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, तो अभी के लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से इसके एकदम से प्राइस में अप या डाउन मूव का कोई फर्क पड़े। बट देखिए, स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, हालांकि इस बार क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं, उनका असर देखा भी गया है, मार्केट करेक्ट हुई थी। देखिए यहाँ पे काफी अच्छा इसने मूव दिया था एंड उसके बाद ये 150 टच करके एक मार्केट में करेक्ट हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई, फिर मार्केट करेक्ट हुई, उसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा है। बट आपको पता है जब स्टॉक नीचे गिरता है एकदम से करेक्शन होती है, उसके बाद उठते हुए ना उसके पास काफी सारी हर्डल्स आते हैं, तो यहाँ पे काफी तगड़ी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगेन एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मैं होती तो मैं एंट्री नहीं बनाती, क्योंकि देखिए इसमें 10% का इसका सर्किट है, तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें तो ये जो इसका हर्डल है ये आता है हमें 2.5% के आसपास। एंड अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है बाई चांस, यहां से कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, ग्लोबल न्यूज आ जाती है, मार्केट को लेकर न्यूज आती है, स्टॉक को लेकर न्यूज आती है, तो हमें 6% के आसपास का डाउन मूव हमें संभावना है देखने की, क्योंकि ये यहाँ पे इसका स्ट्रांग सपोर्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डगमगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंट्री की तो बिल्कुल भी नहीं लेती। एंड लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा है एंड पोटेंशियल भी है इसमें। एंड इमीडिएटली हम शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म एंट्री में बात कर रही हूँ कि 1-2 महीने की, एंड हम उसमें टारगेट देख सकते हैं 150 के आसपास के, हो सकता है पहले मूव कर जाए, बट अभी के लिए टेक्निकली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही बता रही है, हो सकता है स्टॉक 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, हालांकि कोई न्यूज है नहीं मार्केट में तो इसमें कोई इतना अप या डाउन मूव की कोई मुझे लग नहीं रहा संभावना। यहाँ पे वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तब ये मुझे लगता है टूट सकती है, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस आएगी इसके आसपास, 136 के आसपास आएगी एंड 136 और 139 के आसपास, 136 और 140 के बीच में हमें काफी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें मिल सकती है 146 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी अगर मतलब छोटे छोटे हर्डल आ रहे हैं, देखिए प्राइस बैंड जो है 10% का, अगर निकलने को तो ये 2 दिन में भी निकल सकता है, बट अगर नहीं निकला तो क्योंकि रेजिस्टेंस काफी तगड़ी है एंड इसका प्राइस बैंड 10 का है, काफी स्टॉक भाग भी चुका है मार्केट में, ऐसे काफी स्टॉक्स हैं जो भी भागे नहीं है, तो यूजली बायर्स उधर भी चले जाते हैं के बाद। ठीक
ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है, और तो कुछ भी नहीं, बाकी स्टॉक तो बहुत अच्छा है, फंडामेंटली काफी साउंड, मतलब काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।